दोस्तों आप सभी का पीटीआर एकेडमी में और मैं हूँ रिचा। देखिए पिछले वीडियो में अगर हम मेडिवल हिस्ट्री की बात करें तो हमने दिल्ली सल्तनत में जितने भी वंश हुए हैं वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। और आज का जो हमारा कुछ हम आंदोलन देखेंगे, जो बीच में क्या है कुछ आंदोलन भी घटित हुए थे और कुछ छोटे छोटे वंश थे तो उनकी भी हम बात करेंगे। उसके बाद फिर हम मुगल वंश में आएंगे। तो अगर हम सूफी आंदोलन की बात करें तो जो सूफी आंदोलन है ये क्या है, देखिए मुस्लिमों की क्या है कुरीतियों की दूर कर मुस्लिम जो समाज था उसमें जो कुरीतियां व्याप्त थी उसको दूर करने के लिए क्या है सूफी आंदोलन काफ़ी कारगर साबित होता है या चलाया गया था ऐसा हम कह सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो 8वीं शताब्दी में अरब से यानी ईरान से क्या है व्यक्ति के सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। मतलब 8वीं शताब्दी में अगर अरब के जो व्यक्ति थे वो क्या वस्त्र धारण करते थे सफ़ेद यानी वाइट क्लोथ्स पहनते थे, जिनके आचरण से क्या है शुद्धता पवित्रता और सादगी थी, जिन्हें क्या सूफी कहा गया। यानी अगर आपसे ये कोई पूछे कि सूफी किन्हें कहा गया तो जो क्या है सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे और जिनके आचरण में शुद्धता यानी बिल्कुल प्योरनेस हो पवित्रता और सादगी हो, यानी ये लोग बहुत सिंपल रहते थे क्योंकि वाइट क्लोथ्स पहनते थे तो खादी के कॉटन तो बिल्कुल सिंपल क्लोथ्स, सादगी उनके व्यवहार में, शुद्धता पवित्रता सभी चीज़ें एक मनुष्य में जो चीज़ें होनी चाहिए एक आदर्श मनुष्य में तो वो सभी चीज़ें क्या थी व्याप्त थी, उन्हीं को क्या कहा गया सूफी कहा गया। अब सूफी शब्द का उद्भव अगर हम देखें कि कैसे हुआ तो वो क्या होता वो हुआ सफ़ा वर्ड से। एक सफ़ा वर्ड है जिसका तात्पर्य होता है शुद्धता पवित्रता व सादगी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सूफी शब्द का उद्भव कैसे हुआ तो वो सफा शब्द से हुआ। इसकी विशेषताएं देखते हैं तो समाज में क्या है एकेश्वरवाद का इन्होंने क्या किया विकास किया। किसका एकेश्वरवाद का यानी एक गॉड का क्या किया इन्होंने कॉन्सेप्ट लेकर आया, जो कि भगवान वो समाज में क्या थी काफ़ी ज़्यादा कुरूपतियाँ व्याप्त थी। भगवान जो समाज था वो अलग अलग गॉड को क्या करता था फॉलो करता था तो इन्होंने क्या है एकेश्वरवाद का कॉन्सेप्ट दिया। साथ ही सादगी व भाईचारे की भावना का भी क्या किया इन्होंने विकास किया। अगर सूफी आंदोलन का आरंभ व विकास देखें कि सूफी आंदोलन का आरंभ और विकास कैसे होता है तो सर्वप्रथम 8वीं शताब्दी ईरान में क्या है इब्न अल अरबी ने बहदत उल वजूद का सिद्धांत दिया। मतलब अगर 8वीं शताब्दी ईरान में क्या दिया गया था इब्न अल अरबी ने क्या है वहदत उल वजूद का क्या दिया था सिद्धांत दिया था। मतलब इसका मतलब क्या होता है परमात्मा का एकत्व, यानी इसमें ये कॉन्सेप्ट दिया गया था कि जो परमात्मा है वो एक है। देखिए ये चीज़ है ये चीज़ सही भी है कि जो परमात्मा है नेचर है उसमें कोई तो ऐसी शक्ति है, लेकिन अगर देखिए मैं भी अगर मेरा पर्सनली अगर मैं अपना व्यू रखूँ या मेरी बात की जाए तो मैं भी क्या है परमात्मा को मानती हूँ लेकिन मैं भी मूर्ति पूजा को नहीं मानती। जैसे आर्य समाज में या अगर किसी भी उसमें देखा जाए जैसे आर्य समाज में ये कॉन्सेप्ट दिया गया कि उसमें वो मूर्ति पूजा का बहिष्कार किया गया। वैसे मैंने आपको ये सारी चीज़ें मॉडर्न हिस्ट्री में काफ़ी डिटेल में बताई थी कि कौन से समाज में किस चीज़ की क्या बात की गई थी। तो इसमें भी क्या है परमात्मा का कॉन्सेप्ट दिया गया यानी मूर्ति पूजा और जो भगवान है उनको नहीं माना गया सिर्फ परमात्मा को माना गया, एक ऐसी शक्ति को माना गया जिसने क्या है किसी न किसी को बनाया है। अगर हम भगवानों की बात करें तो उसको भी तो किसी न किसी ने बनाया था क्योंकि उसके पास भी ऐसी कोई शक्ति नहीं थी, वो भी ह्यूमन जैसे था, वो भी क्या है लोगों को जन्म देता था, उसका भी मरना क्या था तय था, लेकिन परमात्मा है उसमें क्या है ऐसी कोई शक्ति है। तो जो सूफियों ने अगर कॉन्सेप्ट दिया तो वो किसका दिया परमात्मा के एकत्व का वो दिया। अगर उसके बाद अगर बात की जाए आइनी अकबरी की तो क्या है उसमें सूफी आंदोलन से जुड़े 14 भाग यानी सिलसिला का क्या मिलता है उल्लेख मिलता है, यानी 14 भागों का या सिलसिलाओं का क्या मिलता है हमें उल्लेख मिलता है जिसमें कुछ सिलसिले दिए गए हैं। पहला जो सिलसिला है वो चिश्ती सिलसिला है, इसके जो संस्थापक थे वो मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ये चिश्ती से क्या है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे तो मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछ लिया जाता है। उसके बाद सुहरावर्दी,
इसके जो वो थे वो कौन थे, सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे, और इन्होंने क्या है मुल्तान के क्षेत्र में भी इन्होंने क्या है इसका प्रचार किया था। उसके बाद है कादरी, इसके क्या है शेख अब्दुल कादरी गिलानी थे। और उसके बाद है सत्तारी, इसके कौन थे शाह अब्दुल्ला थे। और उसके बाद है नक्शबंदी, इसके कौन थे ख्वाजा बकी विल्लाह थे। उसके बाद अगर हम चिश्ती के बारे में कुछ और डिटेल में देखें तो ये मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे, और इन्होंने क्या है अजमेर को केंद्र बनाकर अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने का किया प्रयास किया। तो ये किसके साथ, जब मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करता है तो उसी के साथ क्या है ये आए थे। और फिर इन्होंने क्या है अजमेर को एक वो बनाया, कॉन्सेप्ट बनाया, एक जगह बनाई, और वहीं से क्या है ये अपने विचारों को दूर दूर तक फैलाने का क्या करने लगे, प्रसार करने लगे। उसके बाद इन्होंने इनके विशेषताएँ अगर देखें तो ईश्वर में एकत्व में विश्वास, यानी ईश्वर जो है वो एक है उसी पर ये लोग विश्वास करते हैं। मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, यानी किसी भी इंसान को क्या है गॉड बनाकर उसकी पूजा करना क्या है इसका क्या करते हैं विरोध करते हैं। अब जैसे हम बुद्ध जी की बात करें तो बुद्ध को भी आज के टाइम में लोग जो हैं वो क्या है भगवान मानते हैं। बुद्ध भी जो थे वो खुद हमेशा इस मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। और अगर हम शिरडी वाले साईं बाबा की बात करें तो उनको भी आज लोग भगवान मानते हैं। जो इंसान खुद हमेशा ज़िंदगी भर ये विरोध करते करते मर जाता है कि मूर्ति पूजा का विरोध करिए, जो परमात्मा है उसमें लीन होइए, उसमें विश्वास करिए, ये बाद में क्या है उसी की मूर्ति बनाकर उसी को क्या कर दिया जाता है भगवान बना दिया जाता है। उसके बाद अद्वैतवाद में विश्वास करना, और उसके बाद योगियों की तरह जीवन यापन करना, ये क्या है इनकी कुछ विशेषताएं। संपत्ति का संचय न करना, यानी काफ़ी ज़्यादा संपत्ति इकट्ठी ना करना, जितनी ज़रूरत है उतनी। संगीत सभा में भाग लेना, ये क्या थे कुछ इनकी विशेषताएँ थी। उसके बाद इनके कुछ मुख्य शिष्य देख लेते हैं, प्रमुख शिष्यों की बात करें तो पहले जो थे वो ख्वाजा बख्तियार काकी थे। इन्होंने क्या है दिल्ली को केंद्र बनाया, और इनसे लोगों से क्या है कम खाने कम सोने कम बोलने पर क्या दिया बल दिया। यानी ये जो थे ख्वाजा बख्तियार काकी, इन्होंने कहा दिल्ली को केंद्र बनाया, और इन्होंने लोगों से कम खाने कम सोने और कम बोलने पर बल दिया। वैसे जो कम बोलने वाला कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम दिन भर क्या है बकबक करते रहते हैं तो अपनी एनर्जी क्या करते हैं लॉस करते हैं। और इन्होंने इनकी अगर शिष्य की बात करें तो बाबा फरीद थे, अगर उनका मूल नाम देखा जाए यानी तो क्या था शेख फरीद उद्दीन गंज ए सकर था। ये क्या थे बलबन के दामाद थे, बलबन के बारे में ऑलरेडी मैंने पढ़ा है। इन्होंने क्या है ईश्वर भक्ति आत्मसमर्पण व प्रेम पर क्या दिया बल दिया, और क्या है उसके अतिरिक्त इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का भी क्या दिया संदेश दिया, और इनके वचनों को सिख के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ में क्या है संकलित किया गया है। यानी इनके जो कॉन्सेप्ट थे इन्होंने जो चीज़ें बताई तो उसे क्या है सिखों का जो धर्म है आदि ग्रंथ उसमें क्या है इनके कॉन्सेप्ट को लिया गया है। और इन्हीं के कारण ही चिश्ती का क्या हुआ भारत में काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ। फिर इनके भी जो शिष्य होते हैं वो शेख निज़ामुद्दीन औलिया होते हैं। औलिया जो थे वो भी क्या थे चिश्ती समुदाय के काफ़ी महत्वपूर्ण संत थे, क्योंकि इन्होंने महबूब ए इलाही यानी ईश्वर प्रेमी की क्या है उपाधि धारण की थी। जो महबूब ए इलाही है उसे ईश्वर का प्रेमी कहा जाता है, और इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, यानी इन्होंने भी क्या हिंदू और मुस्लिमों की एकता पर बल दिया। योगियों की भांति जीवन यापन व्यतीत किया, यानी इन्होंने अपना जो जीवन था वो जैसे योगी लोग व्यतीत करते हैं वैसे इन्होंने व्यतीत किया, और इसीलिए क्या है इन्हें योगी सिद्ध के नाम से भी क्या है जाना जाता है। यानी शेख निज़ामुद्दीन औलिया को योगी सिद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने ही एक बात कही थी कि मरने के बाद कब्र की आवश्यकता नहीं, मुझे खुले आसमान में छोड़ दिया जाए। यानी जो शेख निज़ामुद्दीन औलिया थे उन्होंने कहा था कि वो फिर भी उनके मरने के बाद भी वो किसी बंधन में नहीं बंधना चाहते हैं, इसीलिए उनके मरने के बाद उन्हें कब्र में मत दफराना, खुले आसमान में क्या करना छोड़ देना। तो अगर शेख निज़ामुद्दीन औलिया के अगर शिष्य की बात की जाए तो शेख बुरहाउद्दीन गरीब थे। ये क्या इन्होंने क्या है दक्षिण भारत में क्या किया प्रचार किया। उसके बाद कुछ अन्य शिष्य भी थे जो शेख हुसैनी गेसुदराज थे। उसके बाद शेख नूरुद्दीन थे, इन्होंने क्या है कश्मीर में चिश्ती सिलों का क्या किया प्रचार किया। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए दूसरे जो प्रमुख शिष्य थे वो कौन थे हमाउद्दीन नागौरी थे।
तो इन्होंने क्या है, हमाउद्दीन ने क्या है, राजस्थान को केंद्र बनाकर क्या है, चिश्ती मत का प्रसार किया। देखिए ये जो अलग अलग जो लोग थे, ये अलग अलग जगहों पर क्या है, चिश्ती समुदाय सूफी आंदोलन का क्या कर रहे थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे। और इन्होंने किसान की भांति सदा क्या है, सादा जीवन व्यतीत किया। वह इन्होंने क्या है, शाकाहारी होने पर क्या दिया, बल दिया। उसके बाद अगर देखिए उसके सेकंड जो है वो क्या है, सुहरावर्दी सिलसिला है। अगर इसकी हम विशेषताओं की बात करें तो इन्होंने क्या है, मनुष्य को क्या है, आराम पूर्वक सादा जीवन व्यतीत करना चाहिए। इनका जो कॉन्सेप्ट था, इन्होंने ये कहा कि मनुष्य को क्या है, आराम से जो सिंपल लाइफ जीनी चाहिए। और दूसरा जो था, इस सिलसिला के संतों ने क्या है, अपने परिवार के लोगों के लिए क्या है, सुख सुविधा प्रदान करने का प्रयास किया। यानी ये जो लोग थे, इनका ये मानना था कि परिवार भी होना चाहिए, और उसको उन्होंने क्या है, सुख सुविधा देने की क्या की, कोशिश की। उसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि धन संचय में क्या है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या हो, उसका दुरुपयोग ना हो। यानी अब इन्होंने क्या है, धन संचय की बात क्या है, धीरे देखिए उसमें क्या है, डायरेक्टली धन संचय मना किया गया था, लेकिन ये लोग धन संचय की बात करते हैं, लेकिन सिर्फ यहां पर इतनी सी रोक लगाते हैं कि उसका क्या है, कोई दुरुपयोग ना हो। उसके बाद क्या है, इन्होंने ये भी चीज़ की कि राजनीतिक व्यक्तियों से क्या है, अपना संपर्क स्थापित कर अपने मतों का प्रचार प्रसार करना चाहिए। इन्होंने ये कहा कि जैसे कोई नेता वगैरह या कोई बड़ा आदमी है तो उससे भी क्या है, संपर्क स्थापित करना चाहिए। लेकिन चिश्ती सिलसिला में क्या है, सीधा सादगी पर क्या है, बल दिया गया था। लेकिन इसमें इन्होंने इस चीज़ पर वो कहा कि हमें राजनीतिक व्यक्तियों से अपना संपर्क बढ़ाना चाहिए, और जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें उसको क्या है, बढ़ाना चाहिए, उनका प्रचार प्रसार करना चाहिए उनके साथ मिलकर। उसके बाद अगर इनमें हम प्रमुख संत देखें तो कौन थे, बहाउद्दीन जकारिया थे। इनके द्वारा क्या है, भारत में प्रचार हुआ। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, जलाउद्दीन तबरीजी था। इन्होंने क्या है, बंगाल के क्षेत्र में क्या है, प्रचार प्रसार किया। और इन्होंने धर्मांतरण पर विशेष बल दिया, यानी धर्म को चेंज करने पर क्या है, काफ़ी ज़्यादा बल दिया। और इन्होंने हिंदू को क्या है, ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाना चाहा। तो इनका जो धर्म परिवर्तन, यानी हिंदू से क्या है, लोगों को क्या है, मुस्लिम यानी इस्लाम बनाना चाह रहे थे, तो ये क्या था, काफ़ी ज़्यादा हुआ उस समय पे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है शेख एकनुद्दीन अबुल फतह। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये जो थे वो क्या थे, बहाउद्दीन जकारिया का क्या था, पौत्र था। और ये क्या है, चिश्ती सिलसिला के निजामुद्दीन औलिया की तरह क्या था, इनका स्थान व कार्य था। यानी इन्होंने क्या है, निजामुद्दीन औलिया की तरह ही क्या है, सारे कार्य किए। और अगर हम उसके नेक्स्ट जो सिलसिला है वो कादरी सिलसिला है, तो अगर हम उसकी विशेषताएँ देखें तो उसकी विशेषताओं में क्या थी, ये जो सभी अगर सूफी सिलसिलाओं में यही एक मात्र जो है वो रहस्यवादी सिलसिला है। यानी इसके बारे में हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलते हैं। और इसमें क्या है, इसमें गाने बजाने का क्या किया गया था, विरोध किया गया था। जैसे संगीत का क्या किया गया था, विरोध किया गया था। तो इसमें हम इस चीज़ को मान सकते हैं कि ये क्या था, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था इसका इस्लाम धर्म में। ये काफ़ी ज़्यादा इस्लाम धर्म को फॉलो करता था, क्योंकि इस्लाम धर्म में संगीत और डांस पर क्या है, पूरे तरीके से बैन लगाया गया है। उसके बाद अगर इसके हम प्रमुख संतों की बात करें तो सैयद मोहम्मद गिलानी हैं। इन्होंने क्या है, भारत में अत्यधिक प्रसार इन्होंने किया। उसके बाद अन्य अगर देखें तो शेख मीर मोहम्मद या मियाँ मीर हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो सिलसिला है वो सत्तारी सिलसिला है। तो इनके उसकी देख लेते हैं कि क्या विशेषताएं थी। तो इनके संतों ने भी क्या है, लौकिक सुविधाओं से युक्त आराम पूर्वक जीवन व्यतीत करने पर क्या है, बल दिया। यानी मतलब इन्होंने ये कहा कि जो लोग हैं वो क्या है, आराम पूर्वक लाइफ जिए, यानी सारी उनके पास सुख सुविधाएँ होनी चाहिए। यानी इन्होंने ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं दिया कि अगर किसी व्यक्ति का पंखे में काम चल जाता है तो वो पंखे में काम चला दे। इन्होंने कहा सुख सुविधाएँ होनी चाहिए, भले उस व्यक्ति को क्या है, इसी तक जाना पड़े। तो ये इनका क्या था, कॉन्सेप्ट था। उसके बाद इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, यौगिक क्रियाओं पर भी बल दिया। अगर इनके प्रमुख संत देखें तो मोहम्मद गौस थे। इन्होंने क्या है, ग्वालियर को केंद्र बनाकर प्रचार प्रसार किया। उसके बाद ये क्या है, तानसेन के क्या, तानसेन से जो थे अत्यधिक प्रभावित थे। यानी तानसेन जो थे कवि थे, उनसे क्या है, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। उसके बाद नक्शबंदी सिलसिला की विशेषताएँ देखते हैं तो ये क्या था, एकमात्र कट्टर सिलसिला था।
जिसमें क्या है कट्टरपंथी क्या थी बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद इस्लाम धर्म में सभी प्रकार के सुधारों का क्या करता था विरोध करता था, यानी इसमें क्या है इस्लाम धर्म में जैसी जो कट्टरता थी उसे क्या है ये जो नक्शबंदी जो सिलसिला था वो क्या करना चाहता था बनाए रखना चाहता था, कोई भी या किसी भी प्रकार के क्या है परिवर्तन नहीं करना चाहते थे। जैसे आज भी अगर आप देखिएगा कोई कट्टर मुस्लिम है जो इस्लाम धर्म को कट्टरता से फॉलो करता है उसमें वो क्या है संगीत नहीं सुनता होगा, संगीत का क्या करता होगा विरोध करता होगा। उसके बाद इसके संतों ने क्या है शरीयत के कानून पर बल दिया, यानी जो शरीयत का जो कानून है उस पर भी क्या इन्होंने बल दिया। और संतों ने ईश्वर मनुष्य से क्या है मौलिक व नौकर का संबंध माना, यानी संतों ने क्या है ईश्वर व मनुष्य दोनों में क्या है इन्होंने डिफरेंस भी क्या कर दिया कायम कर दिया। और अगर इनके प्रमुख संत की बात की जाए तो शेख अहमद सरहिंदी थे, इन्होंने क्या है मोइनुद्दीन अली फसानी नाम से भी क्या है इन्हें जाना जाता था, और ये क्या थे इस्लाम धर्म के सुधारक थे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है भक्तिन आंदोलन, हम भक्तिन आंदोलन को भी सेपरेट पढ़ लेंगे क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अलग अलग क्या है उसको अलग अलग आंदोलनों को अलग अलग उससे सर्च करते हैं तो उनको मिलने में क्या है आसानी रहे, ये सेपरेट वीडियो हो जाए और सेपरेट पढ़ने में। तो चलिए इस वीडियो की पीडीएफ भी मैं आपको कट करके और नीचे लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी डिस्क्रिप्शन में। और देखिए आप लोग मुझे पर्सनली कुछ बच्चे हैं जो अनअकैडमी से जुड़े हुए हैं तो वो मुझे पर्सनली पीडीएफ के लिए मैसेज करते हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ करेंट की वीडियोज़ की देखिए ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं उसका पीडीएफ नहीं अपलोड करती हूँ, लेकिन ये जो इसके जो वीडियोस हैं इनके मैं लिंक आप लोगों को ऑलरेडी पीडीएफ में प्रोवाइड करवा देती हूँ। और जिनके लिंक नहीं प्रोवाइड होते हैं डिस्क्रिप्शन में तो एक दो वीडियो के बाद आप चेकआउट कर लिया करिए क्योंकि कभी कभी मैं एक साथ फुल नोट्स प्रोवाइड करवा देती हूँ। तो थैंक्स, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ भक्तिन आंदोलन में मिलते हैं।